एक मिनट दे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब लोग अच्छे हैं ना? यप, आंसर मी, यस, ओके। हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इन तीनों दिनों में मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी, इन तीनों सब्जेक्ट्स का रिवीजन भी कर लिया है। आप लोगों को ये भी पता चला होगा कि आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा कुछ लर्न कर लिया है, और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर टाइम टू टाइम आप लोगों को रिवीजन करते भी रहना है। और जब भी आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो लेक्चर जाए तो आप लोग उसे सिर्फ एक बार मत बनाइए कि एक बार होमवर्क बना के और सेंड कर दिया तो उसका मतलब डन नहीं होता है। आप उसको दिन भर में एटलीस्ट 2 or 3 more times, एटलीस्ट 2 or 3 बार और ज़्यादा बनाइए, ओके, ताकि वो आप लोगों को सारे कंसेप्ट अच्छे से मेमोराइज हो जाए। आज मैं पहले की कुछ बातें बताऊंगा और कुछ नई बातें बताऊंगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे साइन इन मैथमेटिक्स। अपने पास जैसे सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स आर देयर, तो आप लोग आंसर करते हैं ना 5। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स आर देयर, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5। तो वैसे ही आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी साइंस इन मैथमेटिक्स, तो आप लोग क्या आंसर करेंगे? 5। कितना आंसर करना है? 5। कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट होता है एडिशन, सेकेंड होता है सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और इक्वल टू। ये लर्न करना है, ये स्पेलिंग्स लर्न नहीं करना है, लेकिन ये लर्न करना है। एडिशन का साइन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवीजन होता है और इक्वल टू। ये सारे नेम्स आपको लर्न करने हैं। करेंगे आप लोग? आपसे जब भी पूछा जाए ना, आप लोग ऐसे लर्न कर लीजिए कि एडिशन का साइन, तो आप लोग ऐसे बता सके ये एडिशन का साइन है, सब्सट्रैक्शन ये, डिवीजन ये, मल्टीप्लीकेशन 10। डन, ये आप लोग बता पाएंगे? यस, आप लोग को ऐसे ही लर्न करना है कि आप लोग इसे तुरंत बता पाए। देखो बहुत इजी है, एडिशन का साइन कैसे बनाते हैं? सबसे आसान तो होता है सब्सट्रैक्शन का साइन। क्या होता है? देखो वन लाइन ऐसे खींच दो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे आ जाएगी, स्लिपिंग लाइन बोलते हैं इसको हम लोग, स्लिपिंग लाइन। चलो एक स्लिपिंग लाइन ऐसे आ जाएगी, तो ये क्या कराता है? सब्सट्रैक्शन, स्लिपिंग लाइन सब्सट्रैक्शन। और इसी स्लिपिंग लाइन में एक स्टैंडिंग लाइन भी आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? एडिशन। ये साइन क्या हो जाएगा? एडिशन, ठीक है। अब देखो एक स्लिपिंग लाइन और यहाँ पे भी एक डॉट और यहाँ पे भी एक डॉट, तो ये क्या हो जाएगा? डिवीजन, ओके। और एक ये होती है स्लैंट लाइन और एक और ऐसे स्लैंट लाइन, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है? स्लीपिंग लाइन सब्सट्रैक्शन। तो कितना आसान है ना, सब्सट्रैक्शन स्लीपिंग लाइन, ये हो गया क्रॉस तो मल्टीप्लीकेशन, फिर स्लीपिंग लाइन के ऊपर एक स्टैंडिंग लाइन आ गया तो एडिशन, और स्लीपिंग लाइन के ऊपर दो डॉट्स आ गए तो क्या हो गया? डिवीजन, ओके। और एक और साइन होता है ना अपने पास, कैसे? एक स्लीपिंग लाइन और उसके नीचे एक और स्लीपिंग लाइन, तो ये क्या हो जाती है? इक्वल टू। तो ये लर्न कर लेंगे आप लोग? यस, ये फाइव साइंस ऑर्गन्स, सॉरी फाइव साइंस ऑफ मैथमेटिक्स आप लोगों को लर्न करना है। डन, मैं कंफ्यूज हो गया था सेंसरी ऑर्गन से, कंफ्यूज नहीं, स्लिप ऑफ टंग। आप लोगों को एक दिन और सिखाया था ना स्लिप ऑफ टंग, जब जुबान फिसल जाती है तो क्या बोलते हैं इसे? स्लिप ऑफ टंग। ओके चलो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं साइन ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये तो पढ़ लिया साइन ऑफ, साइन इन मैथमेटिक्स ये लर्न कर लिया। ये लर्न करने के बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि हम लोगों ने एक एडिशन सीखा था। कैसे सीखा था? जैसे 62 + 3 करना है इक्वल्स टू, तो हम क्या करते थे? हम ऐसे देखते थे 62 में और 3 में बड़ा नंबर कौन सा है, तो 62, तो उसको सर्कल कर देते थे, है ना। इसको सर्कल करने के बाद अब इसमें कितना ऐड करना है? 3, तो इसके नीचे 3 स्टैंडिंग लाइंस आ गए। और फिर ऐसे पढ़ते थे 62 ये लिखा हुआ है, देन 63, 64 और 65। कितना पढ़ लिया? 65। तो ऐसे ऐड कर देते थे। ऐसे एडिशन करने में जिसमें हम सबसे बड़े नंबर को पहले सर्कल करते हैं फिर स्टैंडिंग लाइन को
धीरे धीरे काउंटिंग करते वक्त कट करते हैं, और फिर जहाँ पे हमारी काउंटिंग फिनिश हो जाती है वो हमारा आंसर हो जाता है। ऐसे करने से फायदा ये है कि आप किसी भी बड़े नंबर में कोई एक छोटा सा नंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे कि राइट वन बिलो द अदर एंड ऐड। पहले हम लोग क्या सीखे थे? सर्कल द बिगर नंबर एंड ऐड, मतलब सबसे बड़े नंबर को सर्कल करने के बाद ऐड करना था। आज हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से ऐड करना सीखेंगे। कैसे? राइट वन बिलो द अदर, पहले एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, एक नंबर को दूसरे नंबर के नीचे लिखेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे। जैसे हमें बोला जाएगा कि ऐड करो 5 में 3 को, तो ऐसे लिखेंगे 5 + 3 और इसको ऐड करना है, तो ऐसे करेंगे दिस वन। ठीक है, अभी भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे? 5 और इसमें 3 ऐड करना है, तो 5 के बाद ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, इसके बाद कितना ऐड करना है इसमें? 3। तो 5 के आगे 1 2 3 ये लाइंस ड्रॉ करेंगे। फिर देखेंगे ये 5 लिखा है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। कितना आ गया आंसर? 8। आसान है ना? चलो अब ऐड करो 7, तो पहले लिखेंगे 7 और इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है? 4। तो लिखो नीचे इसके 4, 7 के जस्ट नीचे क्या लिखेंगे? 4। अब हमें ऐड करके यहाँ पे लिखना है कितना आएगा, तो बहुत आसान है। जो इसमें सबसे ऊपर नंबर लिखा हुआ है ना 7, अब इसमें कितना ऐड करना है हमको? ये 4। तो 7 के आगे ऐसे करो 1 2 3 4 लाइंस ड्रॉ कर दे। ठीक है, फिर आप काउंट करो, ये तो 7 है, फिर ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। कितना आ गया आंसर? 11। तो आंसर यहाँ पे लिख दिया 11। डन। चलो एक बार और करते हैं। अब देखो ऐड करो 62, तो लिख दिया 6 2 62। इसमें ऐड करना है, कितना ऐड करना है बताइए? इसमें इनमें ऐड करना है 4। ये तो मुझे बताना था ना। चलो तो इसमें ऐड करना है मुझे 4, तो मैं ऐसे ऐड करूंगा, इसको ऐसे बना लूंगा। ठीक है, इस 4 को कहाँ लिखेंगे हम लोग? इस 2 के नीचे लिखेंगे, वंस के नीचे। देखो 62 में वंस कितने हैं? 2 वंस, और 4 में वंस कितने हैं? 4। तो वंस को हमेशा किसके नीचे लिखेंगे? वंस के नीचे। ये बड़ी बात है, लेकिन आप लोग सीख जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिस कराता जाऊंगा, आप सीखते जाएंगे। चलिए अब हमें 62 में 4 ऐड करना है, तो क्या करेंगे? ये तो बड़ा वाला नंबर है, ऊपर वाला नंबर है, इसमें बड़ा नंबर नहीं ढूंढते ना, इसमें कौन सा नंबर देखते हैं? ये ऊपर का नंबर है और ये नीचे वाला नंबर है ना? तो हम लोग ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर को ऐड करते हैं, तो ऊपर वाले नंबर के सामने क्या करते हैं? नीचे वाले नंबर इतनी स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं। तो 62 और इसमें ऐड कितना करना है? 4। तो 1 2 3 4, कितनी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे हम लोग? 4। क्यों? क्योंकि 62 में कितना ऐड करना है? 4। तो 1 2 3 4 बना दिया। अब क्या करना है? काउंटिंग करेंगे। तो 62 63, ये तो 62 लिखा ही है, 62 63 64 65 66, कितना आंसर आ जाएगा? 66 हो जाएगा, कर लेंगे ना। ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, अभी आराम से क्लियर हो जाएगा। मैं इसे रब कर दूं, क्लास की तरह से हो रहा है ना, पहले बोर्ड पे हम लोग लिखते हैं फिर उसे रब करते हैं, इरेज करते हैं, है ना, डिलीट करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इरेज करने के लिए, है ना। चलो लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। अगर हमें ऐड करना हो 12, अब 12 में ऐड करना है तो ऐड का साइन ऐसे बना दिया। कितना ऐड करना है बताइए? 3। तो 2 के नीचे लिख दिया 3। अब ये बताना है कितना आएगा, बताएगा कौन? बताएगा कोई भी बता देगा। ये तो ये हमारा ऊपर वाला नंबर है 12 और इसमें कितना ऐड करना है? 3 ऐड करना है। तो हम इसके आगे कितनी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे 12 के आगे? 3। 1 2 3, फिर काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ये रहा 12, फिर ये 13 14 15, कितना आंसर आ जाएगा? 15। डन। ऐसे ही हमें आज ऐड करना है। आज हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि ना ही नंबर लाइन पे एडिशन करना है, ना ही बिगर नंबर को सर्कल करके एडिशन करना है। आज कैसे एडिशन करना है? राइट वन बिलो द अदर, मतलब एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर लिखेंगे और फिर ऐड करेंगे। ओके आज आप लोग ऐसे ही एडिशन करने की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आप लोगों को दो दो डिजिट का भी एडिशन सिखाएंगे। डन।
ओके बाय बाय।